नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। जम्मू कश्मीर की खबरों में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अभी की खास खबरों पर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू के युवाओं को हनी ट्रैप में फंसा रही है। इसके दो मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब ये सूचना आ रही है कि हनी ट्रैप में फंसने वाले युवाओं के साथ पैसों का लेन देन बाहरी राज्यों से हो रहा है। कुछ अन्य राज्यों में पाकिस्तान के एजेंट मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के संपर्क में हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से दूसरे राज्यों में दबिश दी जा रही है। सऊदी अरब से आने वाले एक और शख्स को कोरोना संक्रमण के संदेह में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव योजना रोहित कंसल ने बताया कि जिसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है वो शख्स सऊदी अरब से लौटा है। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसे संक्रमण है, इसलिए पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी और 1990 में 3 अन्य लोगों की हत्या के मामले में यासीन मलिक को और 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ टाडा अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। जम्मू संभाग के चिनाब वैली हादसे की वैली बनती जा रही है। आए दिन कोई ना कोई हादसा पेश आता है, फिर भी वाहन चालक इन सब दुर्घटनाओं से सबक ना लेते हुए लापरवाही कर बैठते हैं, जिसका खमियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। वहां आज भी किश्तवाड़ के ब्रंदबल में एक इको गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से 7 लोग जख्मी हो गए। वहीं एक बच्चे की हालत नाजुक है। सभी घायलों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ में भर्ती कराया गया है। पूरे देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनेकों कदम उठाए गए हैं और आम जनता को पल पल की जानकारी दी जा रही है और विभिन्न माध्यमों से प्रदेश की जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत सरकारी आदेश को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीती रात से ही सभी रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉल्स, रेहड़ी, रोड साइड वेंडर्स को सरकारी आदेश का पालन करने की हिदायत दी है। ये एहतियात आम जनता के लिए बहुत जरूरी है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। प्रशासन के साथ साथ हम सबको सहयोग करना चाहिए। जो हमारे जम्मू DC ने आर्डर निकाला है वो हमारी भलाई के लिए ही निकाला है, पर हम चाहते हैं इनसे एक दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम उन गरीबों के बारे में भी सोचें जो दिहाड़ी लगा के शाम को खाने के जुगाड़ करते हैं। बस हम इतना ही कहूँगा कि हम इस जो बीमारी जो महामारी फैली है कोरोना वायरस से, उसे जो भी इन्होंने फैसला लिया है हमारे लिए ही लिया है, हमारी जान माल के लिए ही लिया है, पर हम चाहते हैं कि जो बेचारे गरीब आदमी हैं जो रेहड़ी लगाते हैं ढेरा लगाते हैं और रात को खाने का जुगाड़ करते हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए, बस हम इतना ही कहना चाहते। पूरे देश के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस को देखते हुए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू संभाग के जिला उधमपुर के पत्नी टॉप के होटल्स को अगले 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही उधमपुर म्युनिसिपल कमेटी में फॉगिंग भी करवाई जा रही है। देखिए, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के इस टाइम पे सर्वेलेंस टीम पूरे डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है और कोशिश यही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और थ्रू आर फील्ड टीम्स हम पूरा मैसेज कन्वे करवा रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और किसी तरह के अननेसेसरी मूवमेंट ना होने दें। कल डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हर तरह की सोशल गैदरिंग्स को, मीटिंग्स को, कॉन्फ्रेंसिस को प्रोहिबिट कर दिया था और आज हमने इस बैठक में डिस्कशन में ये डिसीजन लिया है कि होटल्स जो पत्नी टॉप के होटल्स हैं हम उसको क्लोज कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 15 डेज और इसके साथ साथ उधमपुर म्यूनसिपैलिटी में भी हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन की फॉगिंग करवाई जाएगी इमीडिएटली टू स्टार्ट। कोरोना वायरस के खतरे को भांपते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने विदेशी नागरिकों, अप्रवासी भारतीयों NRI और विदेश से आने वाले भारतीयों पर माता वैष्णो देवी यात्रा करने पर रोक लगा दी है। श्राइन बोर्ड ने रविवार को जारी एडवाइजरी में कहा है कि देश भर से आने वाला कोई भी अगर खांसी और जुकाम से पीड़ित है तो वो यात्रा पर ना आए। जिला प्रशासन ने सोमवार को घोषणा की कि कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर श्रीनगर में सभी पार्क और गार्डन्स बंद रहेंगे। जिला आयुक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने आज सोमवार सुबह इस संबंध में ट्वीट करते हुए लोगों व प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि श्रीनगर में सभी पार्क, मुगल गार्डन्स अगली सूचना तक बंद रहेंगे। उन्होंने इसके साथ ही एहतियाती उपायों को लागू करने में लोगों के सहयोग की सराहना भी की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Smart food.
स्मार्ट स्कूल। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कश्मीर घाटी के जिला बारामूला के ब्रातकला के घर में वाटर बॉयलर ठीक करते समय जुबेर अहमद मीर नामक व्यक्ति की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी विभाग किस तरह काम करते हैं ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ऐसे बहुत से विभाग होंगे जिन्हें दफ्तर में बैठकर चाय पानी पीने से फुर्सत नहीं। आज हम आपको शहर के बिजली खंभों की बदहाली दिखाते हैं। आप खुद देख सकते हैं इन बिजली के खंभों की दुर्दशा, कितनी बुरी तरीके से तारों का मकड़ जाल बना हुआ है और उसके बोझ में खंभे एक तरफ झुक गए हैं। कभी ये गिर गए तो एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। उम्मीद है कि ये बिजली महकमा इन तस्वीरों को देख रहा होगा और प्रशासन और बिजली महकमा कोई ठोस कदम उठाएगा। अगर कोई बड़ा हादसा पेश आता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, प्रशासन या बिजली महकमा, ये आपको सोचना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गवर्नमेंट हाई स्कूल पयान की शहीदा बानो, जिन्हें हाल ही में उन्हें आइडिया के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड 2019 मिला, उसके परिजनों ने बताया कि शहीदा बानो को अवार्ड मिलने के कारण यहाँ के स्थानीय नागरिक बहुत खुश हैं। उन्होंने लद्दाख के यूटी प्रशासन से शाहिदा को वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी मांग की है। मुझे हाल ही में इग्नाइट अवार्ड मिला, एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड। अवार्ड मुझे एक आइडिया शेयर करने पर मिला। मेरा आइडिया ये थी कि एक शूज होना चाहिए जो स्वेट एब्जॉर्बिंग होना चाहिए। क्या होता है कि हमें जब स्वेटिंग हो जाती है तो उधर से बहुत गंदी बदबू आती है, तो यहाँ मतलब जो लोग अमीर नहीं होते वो ज़्यादा शूज़ नहीं अफोर्ड कर पाते, एक एक दो एक शूज़ होते, एक ज़्यादा सॉक्स भी नहीं ला पाते, तो इसीलिए वो हर रोज़ धोएंगे तो शूज़ तो मतलब इतना जल्दी सूख नहीं जाएंगे, तो इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा शू होना चाहिए जिसमें स्वेट एब्जॉर्बिंग होना चाहिए। इससे क्या होता है कि वहाँ से जो बदबू निकलती है तो वो ख़त्म हो जाए, दूसरा उनमें इन्फेक्शन जो हमें हो जाती है स्वेटिंग की वजह से वो भी ख़त्म हो जाए। कश्मीर के गुरेज इलाके में आर्मी ने वहां पर फंसे स्थानीय 160 नागरिकों को व गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों और छात्रों को एयरलिफ्ट किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्मी को जिला प्रशासन से इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद सेना ने उन्हें एयरलिफ्ट किया। वहीं स्थानीय नागरिकों ने आर्मी और जिला प्रशासन को शुक्रिया अदा किया जिन्होंने, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे SHO साहब जो है उनका, जिन्होंने हमें यहाँ बांदीपुरा से गुरेज से बांदीपुरा शिफ्ट करने में काफी मदद की है, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कश्मीर में पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से एम्पोरियम गार्डन श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर कश्मीर ने कल एक चिनार प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों ने पेड़ लगाए। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता कोरोना वायरस होनी चाहिए। ये आ रहा है कि पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई, डीजल के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए प्रति लीटर जो है वो बढ़ाई गई है। इससे पहले 145 रुपए सिलेंडर का बढ़ाया गया था, और फाइनेंस मिनिस्टर ने कल ये भी ऐलान कर दिया कि मोबाइल फोन्स के ऊपर जो GST है वो 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा। आज की तारीख में टैक्सेस बढ़ाना, जबकि कोरोना वायरस एक प्राथमिकता होनी चाहिए थी सरकार की, जिस तरीके से एसेंशियल कमोडिटीज की कीमतों में वृद्धि की जा रही है, यह सरकार की इनसेंसिटिविटी को दर्शाती है। जम्मू संभाग के जिला डोडा में आज एक जंगली भालू ने एक लड़के पर हमला कर दिया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। घायल को इलाज के लिए तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल डोडा पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जम्मू संभाग के जिला रामबन में म्युनिसिपल कमेटी बनिहाल ने एक सैनिटेशन ड्राइव का आयोजन किया। ये सैनिटेशन ड्राइव चेयरमैन फारूक अहमद की
अगुवाई में आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें अपने आसपास के इलाके साफ सुथरा रखने की अपील की गई। इस अवसर पर बोलते हुए फारूक अहमद ने कहा कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। इसका खास मकसद यह है कि ये जो कोरोना वायरस है यह महामारी घोषित किया गया है, इसलिए हमने आज एक ड्राइव किया जिसमें लोगों को उजागर किया कि कम से कम अपनी आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको साफ रखें। कश्मीर संभाग के तंगधार के युवाओं के बीच खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तत्वाल डे इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट सेना द्वारा आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट के दौरान 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह क्रिकेट टूर्नामेंट नॉकआउट बेसिस पे खेली जाएगी, जिसका फाइनल मैच 13 अप्रैल को खेला जाएगा। यहाँ पे जो होता है टिटवाल डे मनाया जाता है, उससे पहले यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है आर्मी की तरफ से, जिसमें बहुत सारी करना की आल आउट टीमें होती हैं। यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, उसके बाद वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता है। तो मतलब यहाँ पे आर्मी करवा रही है इसका इस टूर्नामेंट को, बाई मई को इसको फाइनल इसका फाइनल खेला जाएगा। बाई मई तक ये टूर्नामेंट चलेगा, उसके बाद बाई मई को फाइनल खेला। तो ये थी अभी तक की खास खबरें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। नमस्कार।